हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट क्लब टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया, क्या यह पर्सन आपके आपको भूल चुके हैं, क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, या आपसे आगे बढ़ चुका है ये पर्सन जिसके लिए आप ये देख रहे हैं रीडिंग। कोई आपका एक्स जिसके साथ सिचुएशन ख़त्म हो गई, जो एंडिंग हो गई, क्या उसकी मतलब कि आप लोग की भी अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं आ रहा उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया एक कम्प्लीटली, ये पर्सन आपको छोड़ कर मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव दे मूव ऑन, हैव दे मूव ऑन फ्रॉम यू? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे मूव ऑन कर चुके हैं? क्या मेरी व्यूवर के पार्टनर मेरी व्यूवर से मूव ऑन कर चुके हैं? मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को देखें, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करेगी तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, टाइमलेस होती है रीडिंग, जब भी आपके सामने आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, चलें। क्या मेरी व्यूवर के पर्सन मेरी व्यूवर से मूव ऑन कर चुके हैं? जो पर्सन आपके माइंड में, क्या वो आपको छोड़ चुका है मुकम्मल तौर पर? उस पर्सन की लाइफ में क्या कोई और आ चुका है? स्ट्रेंथ, ये पर्सन इस वक्त कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। होल्ड करके रखा हुआ ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है, कुछ आपको मतलब के कुछ छुपा रहा है ये पर्सन। एक स्ट्रेंथ लग रही है उसको कुछ हाइड करने में, कुछ एक हिडन एनर्जी है। ठीक है, कुछ छुपाना चाह रहा है। ओके, कोई आप लोग के बीच टावर मूवमेंट हुआ है, कोई टावर हिट किया था आप लोग के बीच? आपके पर्सन के मूव ऑन कर चुके हैं? आपके पार्टनर ट्रिक्स्टर हैं, एक मैनिफेस्टर हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में राइट नाउ? ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, आपके और अपने कनेक्शन को लेकर, आपके और इस पर्सन के रिश्ते को लेकर ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है, एक ड्वेल माइंडेड में नज़र आ रहा है, जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। एक ट्रिक्स्टर है, अप्रोच कम करता है आपको, मैनिफेस्ट ज़्यादा करता है, ये उस टाइप के किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ये खुद को स्टॉप करके, खुद को होल्ड करके रखता है, अगर कितनी ही अर्ज फील हो रही है, कितनी अट्रैक्शन फील हो रही है, कितना ही कनेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी खुद को होल्ड करके रखेगा। ये बहुत ज़्यादा एक्शन एक्शन नहीं लेता आपकी तरफ, मूवमेंट नहीं करता, आपको अप्रोच नहीं करता। ठीक है, आपको आपके साथ कनेक्ट नहीं होता जब तक इस पर्सन, मतलब कि जब तक क्या, ये पर्सन कंप्लीट कोशिश करता है कि आप तक इस पर्सन को एक्शन लेना ना पड़े, क्योंकि आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। ठीक है, कभी दिस वे कभी दैट वे, मतलब कि कंफ्यूज है ये किसी तरीके की एनर्जी, मतलब अच्छी देखते हैं कैसी कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन बहुत ट्रिक्स्टर है। ठीक है, ट्रिकी पर्सन है, बहुत ट्रिक्स खेलता है, सारे टूल्स हैं, मैनिफेस्टर है, ट्रिक्स्टर है, और मतलब कि एक ट्रिकी पर्सन है। एज डिफरेंस हो सकता है, एज में आपसे बड़ा हो सकता है ये, अपनी मतलब कि एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि एक्सपीरियंस है इसका, ये प्रोवाइडर पर्सन है, जैसे अपनी हमारे फादर प्रोवाइड करते हैं फैमिली में, तो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं अपनी अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स को प्रोवाइडर है। ठीक है, प्रोवाइड करने वाला पर्सन है, कुछ ना कुछ अपने घर के लिए अपनी फैमिली के लिए करता है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ठीक है, एक मेच्योरिटी है इसके अंदर, एक मेच्योर पर्सनैलिटी है। ओके, लेकिन मतलब ट्रिकी ट्रिक्स से वर्क करता है, बहुत जल्दी अपने आप को शो नहीं करता, अपने सारे कार्ड्स रिवील नहीं करता, ये वो वाला पर्सन है। इसके अंदर जो चल रहा है बहुत मुश्किल है आपको उससे उगलवाना, वो सब कुछ आपके सामने रखवाना। ये मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, वॉक अवे करके गया है, खुद आपको छोड़कर गया है सिचुएशन से, इसने खुद अपने आप को निकाला है, खुद डिटैचमेंट ली है, आपके इमोशंस, आपका लव, आपका केयर बहुत ईगो में गया था इस सिचुएशन को छोड़कर, इस कनेक्शन को इस पर्सन बहुत ईगो में लेट गो करा था, इस रिश्ते को इसने ईगो में आके छोड़ा था। ठीक है, ये कोई टावर मोमेंट आया था ये पर्सन, वो जो टावर आया था वो हिट इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, जो टावर मोमेंट आया था ये पर्सन, क्योंकि खुद आपको छोड़कर गया तो ये बहुत ज्यादा सोच रहा है उस सिचुएशन को लेकर, बहुत ज्यादा सोचने पे मसरूफ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप ये किसी तरीके की चीजें हाइड कर रहा है, कोई
कुछ हिडन ट्रुथ, कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जिसमें आप कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इस कनेक्शन से निकल के गया। आपको होल ट्रुथ, होल सिचुएशन, होल आपको इस पर्सन का पता नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, ये पर्सन क्यों आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है। इस कनेक्शन को 8 months पहले छोड़ के गया है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, वर्गो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन का वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। आपने शायद अभी कुछ टाइम पहले कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज किया है, इसका आंसर आने का वेट कर रहे हैं। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। 1 week पहले, 3 days पहले, ठीक है, 1 month पहले कोई मैसेज किया आपने, टेक्स्ट किया इसको, या कुछ ही दिनों में कोई ना कोई मैसेज और टेक्स्ट किया, आप उसके रिप्लाई आने का वेट कर रहे हैं। इस बहुत ज़्यादा स्टबर्न, जो ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न, एक टॉक्सिक साइट, एक टॉक्सिक ट्रेड वाला पर्सन है, आपके इमोशनली, एक आप मतलब कि इमोशनली आप लोग का बॉन्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली डील करता है सिचुएशन को। आप नहीं जानते आपकी इस पर्सन से बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अब तक आप वेट कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा इस पर्सन और आपके बीच का। आप लोग मिलते नहीं हैं, मिलना बहुत कम हो चुका है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करने का एक ही जरिया रह गया है। आप कहीं से इसके आंसर आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से जवाब आने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर किसी ना किसी से बातें कर रहा है, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पर, मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा इस पर्सन की लाइफ में एज अ लवर कोई और है, ठीक है, ठीक है, एज अ लवर कोई और है मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूज रहने वाला पर्सन है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई पास्ट इसका हार्ट ब्रेक, कोई पास्ट मेंटल ब्लॉकेजेस, कोई पास्ट स्टकनेस की वजह से ये पर्सन खुद को सिंगल और इंडिपेंडेंट ही रखता है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न दोबारा इंपॉर्टेंट है, एरीस, एरीस, लिब्रा और जेमिनी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइंस। तो ये पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना चाहता है। बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर रहता है, बहुत मिच्योर बिहेवियर रहता है इस पर्सन का अपनी लाइफ को लेकर। कोई पास्ट हर्ट, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट बैक स्टेपिंग इसके साथ चलती रहती है। किसी पास्ट हिस्ट्री को कम्प्लीटली लेट गो कर नहीं पा रहा। ये पर्सन सिंगल ही शो करता है, ये अपनी लाइफ में एक माइंड बना के बैठा हुआ है। अगर इसको करनी है तो स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट ही करेगा। रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, ठीक है, रिलेशनशिप में जाना, फिर किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना, अपने मतलब कि अपने आप को जो एक, जो इस पर्सन का एक लव है, जो इसका केयर है, उसको लेकर बहुत सीरियस रहता है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने हार्ट चक्र को लेकर सीरियस रहता है, लोगों की तरफ डिफेंसिव रहता है, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। स्लो पर्सन है, गोस्टिंग कर रहा है राइट नाउ, गोस्टिंग पे है, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, एक गोस्टिंग के पॉइंट पर है, गोस्टिंग एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, ठीक है। आप किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके की आप फ्यूचर रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं, आप थोड़ा सा मतलब कि आप चाहते हैं कि डिस्टेंस कभी इससे, इसके साथ ख़त्म हो गया या नहीं होगा, जानना चाहते हैं आप, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए अभी भी पैशनेटिव हैं, ये भी पर्सन आपके लिए पैशन फील करता है, लेकिन आप लोगों के बीच कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक न्यू बिगनिंग। आप इस पर्सन से एक न्यू बिगनिंग के लिए क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा, मतलब कि आप क्लैरिटी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ वापस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी आपको फेस नहीं कर रहा, या इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा अभी आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं है, गोस्टिंग वाली एनर्जी है। आप कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेंगे तो इग्नोर करेगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं आएगा, ये मतलब कि एक इस टाइप की एनर्जी में है। मैनिफेस्ट कर रहा है अपने ईगो की वजह से, अपने ईगो सेल्फ की वजह से आपको छोड़कर गया है, इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है। आप बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो बात हो नहीं पा रही है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से बात ज़रूर कर रहा है, किसी किसी से एडवाइस ले रहा है, कोई मेंटोर है, कोई इसको एडवाइस कर रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में किसी से बात ज़रूर कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोच रहा है ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर किसी तरीके की स्टेबिलिटी, ठीक है, इस पर्सन को अगर रिलेशनशिप वगैरह नहीं बनाना, ठीक है, यहाँ पर अगर मैरिज हो सकती है तो शायद ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सोच सकता है, लेकिन बहुत कोल्ड हुआ हुआ है।
आप लोग एक मिररिंग एनर्जी पे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हो तो बहुत लवी लवी एनर्जी में, आप मैसेज नहीं करना चाह रहे बहुत ज्यादा, एक लविंग काइंड एनर्जी, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव इसको प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल एक रिस्पेक्टेबल वे में जानना चाह रहे हैं इस रिश्ते का कुछ आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप बहुत ज्यादा मतलब कि इमोशनल होकर इसकी तरफ नहीं जा रहे, आप ड्राई हो चुके हैं, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर आंसर्स से आते हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब कि आपका अट्रैक्शन है लेकिन आप वो अट्रैक्शन आप शो नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन की तरफ से यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, एक जैसे एक एक न्यू न्यू लीव्स जैसे ग्रो हो रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है ट्री पे, एक बाहर का जब मौसम आता है दोबारा पत्ते हरे होते हैं और एक ग्रीनरी आती है, तो आपके रिलेशनशिप का वो वाला सिनेरियो चल रहा है जैसे हीलिंग प्रोसेस के बाद एक लाइट लाइट ग्रोथ होना, एक वो वाली एनर्जी। लेकिन आप दोनों एक जैसे एक डिफेंसिव और बहुत आप एक अपने 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 मोटिव को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बैठे हुए हैं आप दोनों ही, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप उसको लेकर स्टिक हुए हुए हैं, ठीक है, और जो इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है इस वो पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, दोनों ही कोल्ड हुए हुए हैं एक दूसरे की तरफ राइट नाउ। ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहा, साइलेंट है, ठीक है, खामोश हुआ हुआ है और कुछ अपनी लाइफ में फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट रहे, फ्यूचर फ्यूचर के लिए कोई बेनिफिशियल जो चीज़ रहे, वो कोई भी ऑप्शन रहे, कोई भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो फ्यूचर को सेटल कर सके, जो फ्यूचर को बैलेंस कर सके, वो स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट ग्रोथ की एनर्जी में, कुछ पास्ट बैड पास्ट हो सकता है, कोई बैड एक्सपीरियंस इस पर्सन की लाइफ का रहा है, ठीक है, कोई बैड टाइम इसने फेस करा अपनी जिंदगी में, ओके। ये आपको लेकर अभी क्या सोच रहा है इस कोल्ड एनर्जी में, बहुत स्लो मूव कर रहा है वो, इस ये पर्सन इसी कनेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत स्लो, कि आपको ऐसा लग रहा है स्टेगनेंट ही है सिचुएशन, या तो ये खत्म हो चुकी है या तो ये आगे भी नहीं बढ़ रही, आप मतलब के इतना स्लो की नजर ही नहीं आ रहा कि इस रिश्ते के लिए इसके लिए कोई एक्शन या मूवमेंट है या नहीं है, हीलिंग प्रोसेस पे है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ये प्यार जो ये लव ये केयर है, क्योंकि एस ऑफ कप एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सैंड, आपको भी एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी एक डिवाइन कनेक्शन डिवाइन लव लगता है, और आपके पर्सन को भी ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी डिवाइन लव और डिवाइन ही ये एक डिवाइन की तरफ से भेजा गया, एक जैसे एक आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा पर्सन लगते हैं कि डेस्टाइन कनेक्शन है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। काफ़ी इस रिश्ते को लेकर एक जैसे एक डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन अवेकन हो रहा है बहुत टाइम से इस रिश्ते को लेकर, जो इसके इस रिश्ते में जो लव है जो एक बॉन्ड है उस चीज़ को लेकर अवेकन नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ था, उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहा था कि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है इन फ्यूचर में जाकर, ठीक है। आप तो ये बात समझ रहे थे तभी तो आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक पैशनेटिव अट्रैक्शन पैशन एक 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 न्यू बिगनिंग एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन को देखना चाहते हैं बहुत स्लो मूव कर रहा है ये पर्सन, जैसे इस पर्सन को एक डिवाइन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड लव या डिवाइनली गाइडेड पर्सन, ठीक है। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ, ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा एक अवेकन हो रहा है, एक जब डेथ एंड रीबर्थ मतलब कि जैसे डिवाइन कोई इस पर्सन को सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, कोई इस तरीके से एडवाइस कर रहा है, किसी की ये बहुत ज़्यादा सुनता है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो इसकी पर्सनैलिटी को बदल रहा है, जो इसकी सोचने समझने को बदल रहा है, ठीक है। स्लो बदल रहा है, स्लो मूवमेंट है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस इस पर्सन को दोबारा कहीं और से नहीं मिल सकते जो आपसे मिल रहा है, ये मूव कर रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है ना कहीं मूव ऑन कर रहा है, लेकिन ये पर्सन जैसे अपने ही खुद किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से डिस्टर्ब है कम्प्लीटली। आप तो छोड़ रहे हैं, आप किसी गिनती में ही नहीं आ रहे थे, आपके इमोशंस को तो एक्सेप्ट यू नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहा था। इसकी विश है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये किसी रिलेशनशिप का ऑफर लेकर नहीं आ रहा, ये आएगा तो एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। ये पर्सन ऐसी चीज़ों को डील नहीं करता जिसमें कोई जैसे वर्थ इट ना हो, जिसमें कोई फ्यूचर ना हो, जिसमें कोई आप लोग कुछ डिसाइड ना कर सकें, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस में एक स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस डिस्टर्ब है ये पर्सन, ये फैसला ये डिसीजन लेने से पहले खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, इस पर्सन के माइंड में एक ही तरीके के थॉट चल रहे हैं,
कंटिन्यूअसली इस पर्सन के माइंड में किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके का डर है अपनी लाइफ में, कोई डिसीजन मेकिंग करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। क्या चीज़ है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टक और डिप्रेस कर रही है इस रिश्ते में? ऐसा क्या है जो आपके पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले स्टक और डिप्रेस कर देता है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक। डिवाइन चाह रहे हैं पर्सन अपने डर से, फेयर से, शायद कोई डिसीजन मेकिंग करना, डिसाइड करना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना, इसके लिए किसी तरीके का डर इसको लेकर आता है, ठीक है। अपनी लव लाइफ में पर्सन एक डिस्टर्ब हो चुका है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक ओपन अपनी होता है, इसके कोई हीलिंग फैमिली इशू, कोई फैमिली इशूज़ हैं इसकी, इसकी फैमिली रिलेटेड कोई, इसको एक फैमिली ट्रॉमा है इसकी ज़िंदगी का, फैमिली रिलेटेड कोई चाइल्डहुड रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है। इसके इसका फैमिली इशू हील होना चाहिए, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा, हार्ट टू हार्ट आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है। जुड़ना चाहता है लेकिन स्ट्रेस में, इसको नहीं पता अगर ये आपके सामने ओपन अप हो जाए, आपके सामने अपने आप को ओपन अप करे या सारी बातें रखे, तो आप किस तरीके से सोचेंगे कि कोई ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो, कोई क्रश हो, किसी पास सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा हो, लेकिन वो आपकी तरफ ओपन अप नहीं हो पा रहा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील कर रहा है, वो आपके लिए लविंग केयरिंग है, लेकिन आपको बहुत एक इगोइस्टिक नेचर दिखाता है ये, मतलब कि ये ऐसा हो सकता है, ये आपकी स्टोरी लाइन टू स्टोरी लाइन हो सकती है, किसी का पास्ट, किसी का न्यू, कोई कहीं और से मूव ऑन कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट का जो एक इफेक्ट है ना, इस पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा है, या तो फैमिली ट्रॉमा है, कोई कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रॉमा है, ठीक है, इस पर्सन की ज़िंदगी में, कि कोई एक्शन लेने से पहले बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है इस रिश्ते में। भाई ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन इसके लिए बहुत बर्डन सम हुई हुई है। रिकन्साइलेशन ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट हो, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। इसने माइंड ही अपने ये सेट किया था, ये राइट पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेगा, राइट पर्सन के साथ ओपन अप होगा। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आप लोग के बीच रिलीजियस डिफरेंसेस, फैमिली डिफरेंसेस, कास्ट फैमिली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये पर्सन एक रिकन्साइलेशन पे आ रहा है आपके साथ, किसी तरीके का रिकन्साइलेशन करना चाहता है। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पे आने वाला है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स कैरी करता है, लाइक योर फ्रेंड्स, योर हेल्प। मैंने कहा ना, ये पर्सन किसी की हेल्प ले रहा है आपके सिचुएशन में, क्या करे क्या ना करे, किसी से बात ज़रूर कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर है जिससे ये खुलकर आपके बारे में बात कर सकता है, और ये कर ज़रूर रहा है, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, शायद आप इस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, शायद आप एक राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वर्थ वेटिंग फॉर, जो आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन पर्सन की तरह होगा, परफेक्ट पार्टनर की तरह होगा, ठीक है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़ायर करते हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एक, अगर आपको पास में एक इक्वल गिव एंड टेक, एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला, तो एक रोमांटिक फीलिंग्स वाला, एक्सप्रेस करने वाला, कनेक्ट होने वाला, अंडरस्टैंड करने वाला ऐसा पर्सन मिलने वाला है सामने से आपको, ठीक है। और ये कोई पास्ट और कोई न्यू दोनों हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए कोई पास्ट हो सकता है, किसी के लिए जैसे कहीं जहाँ पर अनएक्सप्रेसिव लव रहा है, कंफ्यूजन रही है, कभी भी इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं करा, तो ये कोई ऐसा पास्ट है जो एक्सप्रेस करेगा, फर्स्ट टाइम हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, इमोशनली बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा, इमोशनली आप ओपन अप होंगे। इस कनेक्शन में बहुत ईगो बैटल चली है स्टार्टिंग से ही, बहुत ईगो बैटल रही है, ओपन अप ही नहीं हुआ ये पर्सन इमोशनली कभी, क्योंकि एक ईगो बैटल थी, क्योंकि इसका कोई पास्ट हर्ट रहा है। और अगर ये कोई क्रश है, ये पर्सन अपने किसी पास्ट सिचुएशन से हर्ट हुआ हुआ है, इसके लिए ओपन अप होना बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग है, ठीक है। इसको स्ट्रेस दे रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, श्योर होना चाहता है कि आपके पास ओपन अप हो जाए, कि आपके लिए डरा हुआ है अपनी लव लाइफ से, अपने किसी पास्ट ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, किसी का मदर से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, किसी का पास्ट लव से रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन कोई ट्रॉमा फेस कर रहा है ये पर्सन, एक हार्ट से रिलेटेड, इमोशनल ओपन अप होने से रिलेटेड, जो इमोशनली बहुत क्लोज ऑफ है, जिनके पर्सन, जिनकी फीमेल, जिनके मेल, ठीक है, उन लोगों की रीडिंग ये हो सकती है, उनसे बहुत मैच कर सकती है, क्योंकि कोई ईगोस्टिक होके इमोशनली अपनी ईगो में आके कभी भी ओपन अप नहीं होता, ठीक है। कोई यहाँ पर इस तरीके का पर्सन है, आप किसी के हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन से एक्सप्रेस एक्सप्रेस चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन किसी से कनेक्ट हो रहा है, कोई मेंटोर, कोई फ्रेंड, जो गुड एडवाइजर, कुछ है, कोई कोई इस पर्सन को एडवाइस कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।